बलरामपुर में कांग्रेस महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह महंगाई दिनों दिन पाम पसार रही है, पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारा किसान कई महीनों से सड़कों पर है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार मौन है। केंद्र में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। और महंगाई पूरे देश में चरम सीमा पर है। हर युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रोजगार के तलाश में धक्के खाता फिर रहा है। अभी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए केंद्र की भाजपा की सरकार ने नई योजना चलाई, आधुनिक जिसमें जो युवा है वो 4 साल तक नौकरी करेगा, जिसके बाद वो घर बैठ जाए, और वो भी जगह कितनी निकाली उसके मुँह में दीगा। आवश्यकता कुछ है और वो भी 4 साल की। ये जो अग्नि पर है, ये योजना मिलिट्री के अधिकारियों और सिपाहियों, लास्ट नायक, यहाँ तक कि सूबेदार, मेजर, इनके बीच में दीवार खड़ी करने वाली ये योजना है। क्योंकि जो अधिकारी है वो तो 7 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, जब तक उसकी उम्र 7 साल नहीं हो जाएगी, और जो युवा है, जो सिपाही है, जो सैनिक है, उनको 3-4 साल में रिटायर करके घर बैठा देगा। क्या इससे अधिकारियों और सैनिकों के बीच में दीवार नहीं खड़ी है? एक तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा जिसका विरोध पूरे देश में है। अगर मैं आज की तारीख में यह कह दूँ कि श्री नरेंद्र मोदी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, तो गलत नहीं। आज त्राही त्राही मची हुई डीजल पेट्रोल के रेट क्या है, डीजल पेट्रोल रेट क्या है। अब आप कहते हैं कि हमने महंगाई में कंट्रोल कर लिया, कोई महंगाई नहीं। केंद्र का मंत्री बयान देता है, 2014 में ये सरकार में आए, केंद्र सरकार 2014 में जो रसोई गैस है वो 4 पर 10 रुपये पर सिलेंडर मिलती थी, आज 1053 रुपये और 1240 रुपये, यानी 156% इन्होंने दी। पेट्रोल जब 2014 में सरकार में आए तो 71 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल जो है आज कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बलरामपुर में एक दिवसीय जनपद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का भाजपा कार्यालय अटल भवन पर भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस अवसर पर तमाम भाजपा पदाधिकारियों, ब्लॉक प्रमुखों व कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय अटल पर बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव में विपक्षी दल द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता ने भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार ने प्रदेश में वापसी की।
भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट में। बलरामपुर जनपद का चतुर्मुखी विकास हो, तेजी के साथ बलरामपुर जनपद विकास के पथ पर अग्रसर हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएँ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएँ हो धरातल पर उतरे, उसके लिए आज हम बलरामपुर जनपद की सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो यहाँ पर इंडोर पेशेंट से उनसे हमने बात किया है, उनको देखा है, यहाँ पर सभी उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएं लगातार लोगों को मिलती रहें, उसके लिए हम सभी इंतजाम करेंगे और जो भी त्रुटियाँ मिलेंगी उनको हम दुरुस्त करेंगे। हमने चिकित्सा अधिकारियों से कहा है हर स्थिति में अस्पताल में मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें, उनको निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज या जो भी संसाधन उनको जाँच का है सब कुछ पूरा करें, यह हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जो चिकित्सक कम हैं उनके बारे में हमने कहा है कि लोकल स्तर पर भर्ती करें, यदि आवश्यक होगा तो हम लखनऊ से भी उनको भेजने वाले हैं, लेकिन तब तक स्थानीय स्तर पर आप भर्ती करें, उनके लिए हम स्वीकृति देंगे। हर स्थिति में बलरामपुर के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट का चल रहा है, अभी ट्विन टावर गिरा है बलरामपुर। देखिए, भ्रष्टाचार और अपराध पर हमारी सरकार प्रारंभ काल से जीरो टॉलरेंस के नीति अपना रही है। कहीं भी कुछ भी संज्ञान में आएगा हम जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपने जो बलरामपुर जनपद में कहा के बारे में कहा है, हम जिलाधिकारी हमारे से बात करेंगे और आप देख रहे होंगे परिणाम उसका यह है कि गुंडे माफिया मवाली समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाते थे, महिमा मंडित होते थे, अब उनके हौसले टूट गए, उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या उत्तर प्रदेश को बाहर जाकर कहे या तो हमारी सरकार उनको जेल भेज। दूसरा सबसे बड़ा विषय था कि आप बलरामपुर को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर सपा की सरकार ने कितने माफियाओं का सब गायब हो गया, किसी को पता नहीं है। गरीब आदमी की जमीन कब्जा करना, बहु बेटियों को बुरी नज़र से देखना, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उसकी पलवित हो रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है माताओं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। के बरेली में समिति के अध्यक्ष राजू खंडलवाल के नेतृत्व ने बुधवार को सिविल लाइन हनुमान मंदिर से 12 बजे श्री गणेश जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इस शोभा यात्रा में श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर उमेश गौतम ने की, उसके बाद यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा परंपरागत झांकियों के साथ कोतवाली जिला अस्पताल, घंटाघर, कुतुब खाना चौराहा, शिवाजी मार्ग आलमगिरीगंज, मटकी चौकी, शाहू गोपीनाथ स्कूल, श्यामगंज बाजार, मोर कोटी गंगापुर, मारवाड़ी गंज और पार्टी पैलेस और इसके बाद प्रेमनगर धर्मकांटा होते हुए श्री त्रिवटी नाथ मंदिर पर यात्रा का विश्राम हुआ। इस शोभा यात्रा में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर उमेश गौतम, राजू खंडलवाल, सुनील खंडलवाल, सुधीर अग्रवाल, अजय राज शर्मा, कौशल सारस्वत, पार्षद शालिनी जौहरी, सोनू खंडलवाल आदि उपस्थित रहे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद पूरे बरेली वासियों के ऊपर बना रहे, इस को देखते हुए गणेश चतुर्थी की ये यात्रा वर्षों से चलती आ रही है, तो गणेश चतुर्थी की सारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं पूरे बरेली के ऊपर बरसवा रहे हैं और पूरे बरेली में जिस तरह से कार्य चल रहा है वो भी उन्हीं का आशीर्वाद है कि बरेली बदल रहा है और बरेली चमक रहा है।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। मेरठ थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव नगला मल में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने करीब 30 लाख की डकैती डाल दी। हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर उनकी कनपटी पर तमंचा चाकू रखकर आवाज़ न करने की धमकी देते हुए घर में रखे 35 तोले सोना, 3 किलो चांदी और 3 लाख की नकदी लूट ली है। घटना 1 बजे की बताई जा रही है, जब मकान स्वामी बाबू पुत्र मकसूद अली अपने तीनों पुत्र साबिर, इमरान, मुनाजिर और पुत्र बंधुओं के साथ रोज की तरह सो रहे थे कि अचानक एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने घर में आ गए। परिवार के सभी सदस्यों को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके चलते पूरा परिवार चुप हो गया और घर में रखे 35 तोले सोना, 3 किलो चांदी और 3 लाख की नकदी ले गए। लूट हो जाने के बाद मकान स्वामी बाबू पुत्र मकसूद अली चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगे। उनकी आवाज़ सुन पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी अब्दुल कलाम पुत्र अजहर रहमान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सभी बंदी परिवार के लोगों को आज़ाद कराते हुए पूरे गांव को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचा पूरा गांव हथियारबंद बदमाशों को ढूंढने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद मौजूद लोगों ने थाना मुंडाली पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर थाना प्रभारी सुखपाल सिंह बल दल के साथ पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ खड़ी हो मैं बदमाशों के निशान और उनकी पहचान देखी। इसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा कर बदमाशों की तलाशी की है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ रात? कमरे में दो लड़का आए थे, हमें उठाया, हमारी सारी चीज उतारी उन्होंने। चीज उतारने के बाद हमारे लड़के के गर्दन पर छुरी रखी, फिर छुरी रखने के बाद मुझे ऊपर ले गए पांच जने के बाद चार पांचों ने एक कमरा खाली करके एक कमरे में मेरे साथ एक लड़का और चार एक दूसरे कमरे में चीज निकाली, 35 तोले सोना, 3 किलो चांदी, 3 लाख रुपए। उसके बाद ताली ना बताई तो पिस्टन धरी दूसरे लड़के के कान पे, आके हमें पल्ले वाले कमरे में बंद करी, सारों को चारों के इनके हाथ पैर बांधे और हम दोनों कमरे खाली करे। फिर उन्होंने क्या नाम है आपके लड़के का? कादिर। उससे बड़े वाले का? अर्श। क्या कह रहे थे इनसे? इन्हें मारपीट करी थी क्या? मारपीट ने करी, छुरी धरी इनके इस पे गर्दन पे, हमारे मारपीट ने करी, मारने के लिए कह रहे है। अपना अपने दिया हमने तार के, फिर जबरदस्ती करने के लिए कह रहे हैं, फिर हमने खुद ने दिया तार के। क्या कह रहे हैं बदतमीजी से? कुछ बदतमीजी से पैसा आ रहे? बदतमीजी से एक पैसा आया ऊपर। क्या कह रहा? नू कह रहा था नू के तेरा आदमी इतना हल्का है, तू कैसे झेल लेती है अपने आदमी को, मेरा हाथ पैर कपा रहे, नू के कैसे कर लेती है तू। फिर मैंने दूसरे से कही जो उनसे उनके साथ था, मैंने कैसे ऐसा बदतमीज बोला मुझसे, वो उसने धमकाया नू हम माँ बहन हमारी भी, मैंने कि माँ बहन तुम्हारे होती तो इस काम को ना करते। फिर रोल मचाओ तो पीछे से गोली मार दियो इसका जी। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। श्री बालाजी धाम हांसी के तत्वावधान में दिव्य दरबार का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज के ब्रजमनगंज नगर पंचायत में धाम के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार के संरक्षण में आगामी 2, 3 और 4 सितंबर को BC पब्लिक स्कूल घोर नामपुर में आयोजित होगी।
दरबार में भक्तगण अपनी समस्या का अर्जी लगाकर श्री बालाजी के सम्मुख बैठेंगे। स्वयं गुरुजी बालाजी की कृपा से उनका नाम और समस्या खुद ही बताएंगे और उनका निराकरण भी पीड़ित को बताकर उसके संकट काटेंगे। बालाजी धाम हांसी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बताया कि दरबार में किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग जिसको किसी प्रकार का संकट है वह आ सकता है। दरबार में किसी प्रकार का शुल्क या सेवा नहीं लिया जाता है। दरबार में स्वयं बालाजी महाराज भैरवनाथ और प्रेतनाथ की उपस्थिति में स्वयं उन्हीं की प्रेरणा से समस्त दरबार में आए हुए पीड़ित जनमानस का दुख और संकट दूर किया जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। आप सभी भक्तों को बड़ी खुशी होगी कि मेहंदीपुर के बालाजी अपनी 64 कलाओं 14 विद्याओं के साथ ब्रिजमनगंज VC पब्लिक स्कूल 2-3-4 सितंबर 2022 को दिव्य अदालत लगाने जा रहे हैं। यहाँ सभी भक्तों की मन की कामना, उनका संकट, उनका कष्ट क्या है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हमारे मुखारविंद से बताएंगे। दिव्य अदालत में आने वाले भक्त को अपनी मन की कामना, अपना संकट किसी को नहीं बताना होता है, अपितु मेहंदीपुर के बालाजी रात्रि 9 बजे से लगने वाली इस दिव्य अदालत में श्री भैरव कोतवाल कप्तान, श्री प्रेतराज सरकार हमारे माध्यम से, हमारे मुखारविंद से स्वयं आपकी समस्या, आपके संकट का कारण एवं निवारण पल भर में बताएंगे, सुनाएंगे। तो सभी भक्त VC पब्लिक स्कूल ब्रिजमनगंज में रात्रि में लगने वाली इस दिव्य अदालत में पधारें। इस दिव्य अदालत का समय रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होगा। आशा करता हूँ सभी भक्तों का कल्याण श्री हनुमान जी महाराज पल भर में करेंगे। जय श्री राम। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का।
डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।